पधारो हमारे देश। हम देंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? और हाँ, आपके यहाँ मौसम कैसा है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यार जयपुर में ना अब की बार 5-6 दिन हो गए है, दिन में एक बार बारिश हाजरी लगा के तो जरूर जाती ही जाती है। दोपहर का मौसम हुआ नहीं, बारिश स्टार्ट। देखो मैं एक प्रो बता रहा हूँ, रियलिटी है जिंदगी की शादी के एक साल तक चलता है आई लव यू, आई लाइक यू, ये तीन मैजिक वर्ड। लेकिन जैसे ही शादी के 2-3 साल का टाइम निकल जाता है, यानी इस जॉइनिंग का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद में यही तीन मैजिक वर्ड बन जाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बाबू के लिए। आई एम सॉरी बाबू, नहीं आप लोगों के। आई एम सॉरी बाबू, हर कभी कभी ये आई एम सॉरी इतना ये मुझे समझ में नहीं आता कि शादीशुदा आदमी का सॉरी भी चेंज हो जाता है पहले। आई एम सॉरी यार, बीवियों को इतना बदनाम क्यों किया जाता है? गजब बेइज्जती है। दुनिया का पहला इंसान हूँ जो ऑन कैमरा बीवी की सच्चाई बताने के लिए तैयार है, इसके बाद का अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपका रोज रोज का यही है, रोज रोज का। तो बीवी चेंज करूँ क्या? कर लो, करके देख लो, फिर पता चलेगा। गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर। मैंने तो बस यही सोच लिया कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं बताती हूँ कल क्या होगा, चलो बाहर। गजब बेइज्जती है। चले गाइस मिलते हैं बाहर, जाते हैं। भी एक छोटा सा मेला है आसपास में, थोड़ा सा व्यू दिखा देंगे बाहर का। देखो क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है, हम दिया बत्ती करके निकलते हैं। अगर अगर लाइटिंग ठीक रही तो दिखा देंगे पक्का, और नहीं दिखा पाए, अगर नहीं दिखा पाए तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा हम वीडियो बनाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम स्क्रीन में देखते हैं कैमरे में नहीं। और फिर हम दुनिया को ऐसे रखते हैं जैसे बाडा बाडा, आई एम बाडा यू आर बाडी, फिर हम बाडा बाडी। ये वीडियो हमारे फोन देना, ठीक है? हम देंगे। नहीं हम देंगे, मैं फोन दे बाडा, और ये भी देंगे जो हम नहीं कर रहे। बाबू यार आप बाबू बाबू, चलो ना बाहर चलते हैं, सबसे बंद कर दो। चलो गाइस थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ का आपको कुछ व्यू दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पे पिंक मतलब झूला मैंने थोड़ा सा देखा था यार। काफी टाइम हो गया मेले में, और बाबू के होने के बाद वो बेचारा थक के वहाँ पे चला गया। चलो उसको लेके आओ। बेचारा क्या होता है? मेरा बेटा, मेरा प्यारा बाबू, यानी वो यार बाबू चुनू बेटा थक के चला गया। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस अभी हम चलते हैं मेले में, और फिर आके मिलते हैं आपसे। का नाम क्या था? बबन। ऐसा कहते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज, अंडरवियर, बिकॉज मेरी अंडरवियर के पीछे की तरफ भी 2 छेद हो गए थे। कंट्रोल कंट्रोल उधर। और अब आपको बाहर का सीन दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं मेले की तरफ, फिर वहां जाकर आपको कुछ सीन सिखाते हैं, फिर मिलते हैं। रात के बज रहे हैं 1:15, अभी बाबू सोया था 12 बजे, हमने खाना लगाया, हम खाने बैठे ही थे कि फिर से वो रोने लग गया। कितना कुछ सहा होगा हमारे माँ बाप ने हमारे लिए। अब हमने ये सोचा था कि ठीक है अब रात को अब तो आराम से सो जाएगा, क्योंकि दिन में ही ज़्यादा सोया नहीं था, लेकिन कि वो फिर से जग गया है, पता नहीं कब तक खाया जाएगा। और ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारा डेली का है। डेली हम लोग रात को लगभग इसी टाइम खाते हैं, कभी 11:15, कभी 12:15, कभी 1:15, कभी 2:15, तो ये 2-3 घंटे ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसी वजह से मैं सुबह व्लॉग अपलोड नहीं कर पाता, रात को जब इतना लेट सोते हैं तो सुबह फिर 8 तो बज ही जाती है उठने में, इतने में ताऊजी और बाकी व्लॉगर्स व्लॉग अपलोड कर देते हैं, खाते हैं और फिर सुबह मिलते हैं आपसे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग उठ चुके हैं। ये भी उठ गया है, मैं भी उठ गया हूँ, लेकिन एक शख्स है जो अभी भी सो रहा है।
और उनके सोने का रीजन ये है कि रात को बच गए थे इनको सोते सोते 3:30 बजे। खाना खाने के बाद भी बाबू बार बार उठ रहा था, तो कभी इसका डायपर बदल रहे थे, कभी इसको इधर से उधर सुला रहे थे, और ऐसा कर करके बच गए थे सुबह के 3। सो हमने सोचा कि आज देखो ये क्या प्यार दे रहा है बाबू। अरे ये अपनी जगह पे खड़ा। सो हमने सोचा कि आज क्यों ना इंट्रो हम शूट करें, इसलिए हम ये दोनों बाप बेटे इंट्रो शूट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है बताना जरूर, और कैसे हैं आप ये भी कमेंट में बता देना। बाकी ब्लॉग को करते हैं यही खत्म, साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाय।